सारा रिकॉर्ड भाई तोड़ दिया। क्या बात कर रहे हैं बाबा, आज से पहले इकलौती ऐसी फिल्म बन गई है सलार जो सबसे ज्यादा एडवांस बुकिंग में कलेक्शन कर रही है। सो ये वीडियो में इस पर भी हम लोग नजर डालने वाले हैं और भाई बहुत 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 खुशी मिल रही है मैन, बहुत ज्यादा खुशी मिल रहा है कि भाई सलार सब फिल्मों के एडवांस बुकिंग के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है मैन। बहुत लोग बोल रहे थे कि मेरा स्टार की फिल्म का रिकॉर्ड नहीं टूटेगा, पापा ना रहे जो लोग हेटर्स है यार, क्योंकि भाई अकल से देख रहा हूँ भाई क्योंकि इस फिल्म को लेके ना बहुत नेगेटिव पीआर करी जा रही है हद से ज्यादा, क्योंकि भाई हम लोग को ना बहुत ऐसे इनसाइडर लोगों से भी बातें होती रहती है तो पता चल जाता है सारी चीजें कि कैसे कैसे ये प्लान करा जा रहा है इस फिल्म को डिग्रेड करने का। तो ये बहुत घटिया चीज है, मैं फ्रेंकली बोल रहा हूँ बहुत घटिया चीज है यार ये चीज है ना, किसी भी फिल्म के साथ या फिर किसी भी एक्टर के साथ नहीं होनी चाहिए। सो बुरा लगता है यार, फिल्म के कंटेंट पे काम करो, पब्लिक ना चाह के भी उस फिल्म को देखने जाएगी। कंतारा ऐसी फिल्म थी जिसको आता पता नहीं था भाई, लोग हिंदी बेल्ट के लोग ना ऋषभ शेट्टी के नाम तक को नहीं जानते थे, कंटेंट वाइज ही वो फिल्म इतना बूम कर रहा था। अब तो भाई पार्ट टू आ रहा है तो अलग लेवल पर जाएगा, उसको लेकर अलग बातें करेंगे, बट मैं तुमको एक एग्जांपल दे रहा हूँ यार कि ये नेगेटिव पीआर पे पैसे खर्च करने से अच्छा है कि एक अच्छे राइटर को आप लोग हायर करो, अच्छा कहानी लेके आएगा, अच्छी फिल्में बनेगी, अच्छी फिल्में आएगी तो ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी और ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी तो ज़्यादा पैसे बनाएंगे, सिंपल सा बात है यार। चलो फिर बिना लेट करते हो भाई इसके एडवांस बुकिंग पर हम लोग नजर डालते हैं, इसके साथ साथ आज के दिन पे यह फिल्म कितना कलेक्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। रात में भाई क्लियर कट भाई फिगर आ जाएगा कि हाँ सलार अपने पहले दिन पे इंडिया से इतना कलेक्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ने से पहले मैं तुमसे एक ही चीज रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब करो तो प्लीज मेरे भाई चैनल को जरूरी सब्सक्राइब कर लेना। सो बैक टू पॉइंट, इसका पहला दिन का फाइनल एडवांस बुकिंग कलेक्शन कितना हुआ है? फाइनल एडवांस बुकिंग कलेक्शन है 48.94 करोड़ का। आज से पहले किसी फिल्म के इतना एडवांस बुकिंग से कलेक्शन होते हुए देखो 48.94 करोड़ का ना, बड़े बड़े एक्टर लोग की ना पहले दिन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होती है। ये प्रभास सर की फिल्म सलार है, जिस फिल्म का सिर्फ एडवांस बुकिंग में ही 48.95 करोड़ का कलेक्शन हुआ है। एडवांस बुकिंग मैन, आज का तो कलेक्शन आना बाकी ही है। क्या बात कर रहे हैं, बहुत ऐसे लोग होते हैं जो थिएटर में पहुंच कर टिकट कटाते हैं तो वो लोग का तो सीना भी अलग है, डबल होता है जितना एडवांस बुकिंग होता है ना पहले दिन पे, कलेक्शन उसके डबल के आसपास ही आती है। और अभी जो रिपोर्ट निकल के आ रही है उस रिपोर्ट के माने तो 95 करोड़ का ये फिल्म पहले दिन पे कलेक्शन कर रही है। तुम लोग समझ जाओ भाई 95 करोड़ यार वो भी नेट कलेक्शन, ग्रॉस कलेक्शन भी मैं तुम लोग को नहीं बता रहा हूँ कि ऐसा बहुत लोग बोलेंगे ग्रॉस करके तो बता रहा है, ग्रॉस कलेक्शन ये नेट फिगर निकल के आ रही है 95 करोड़ इंडिया से सलार अपने पहले दिन पे कलेक्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। रात में भाई एग्जैक्ट फिगर आ जाएगा, उसको लेकर हम लोग बातें करेंगे, बट एक बात तुम लोग सोचो भाई, इतना कभी तुम लोग सोचे थे यार कि 48.94 करोड़ का ये सलार अपने एडवांस बुकिंग से कलेक्शन करेगा? नहीं भाई, मैं बहुत दिन से चाह रहा था प्रभास सर की कोई एक ऐसी बेहतरीन फिल्में आए जो फिल्म कलेक्शन करे, और नो डाउट प्रभास सर की फ्लॉप फिल्मों ने भी काफी अच्छा कलेक्शन करा है, बट ये फिल्म मैंने देखा है और बहुत सही फिल्म है। तुम लोग अभी प्लान कर रहे हो कि इस फिल्म को देखने जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए, भाई तुम आंख बंद करके जाओ, तुम्हें ये फिल्म डिसअपॉइंट नहीं करेगा। बेशक फर्स्ट हाफ थोड़ा इसका स्लो है, इस टाइप से जो फिल्में होती है ना ये लोग ना फर्स्ट हाफ में अपने कैरेक्टर को बिल्ड करते हैं, ये सच्चाई है, क्योंकि ये लोग आगे ना पार्ट टू पार्ट थ्री पार्ट फोर ऐसे ये लोग को बनाने होते हैं, इसलिए लोग ना फर्स्ट हाफ में स्पेशली इस टाइप से फिल्मों का ना तुम फर्स्ट हाफ उठा के देखोगे तो फर्स्ट हाफ में वो लोग स्पेशली भाई अपने कैरेक्टर पे फोकस करते हैं, इसी वजह से थोड़ा फिल्म स्लो हो जाती है। बट ये सलार में इतना भी स्लो नहीं है, थोड़ा स्लो है, एडजस्ट कर लोगे, बाकी तो भाई जैसे इंटरवल की तरफ जो बढ़ता है ना भाई झिंगा लाला कर देता है यार। सो तुम्हें बता तुम्हें इसमें क्या कहना, कितने ज़्यादा खुश हुआ और कौन कौन देख लिया, और ये कलेक्शन एडवांस बुकिंग से जो अभी रिपोर्ट निकल के आ रही है ये कलेक्शन तुम लोगों को कैसा लगा है, और आज के दिन पर जो अभी तक जो खबर निकल के आ रही है 95 करोड़ का ये फिल्म कलेक्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है नेट फिगर, ये फिगर तुम लोगों को कैसा लग रहा है यार ओपिनियन कमेंट करके तुम लोग जरूर बताना। वर्ल्ड वाइड से अभी मेरे को जैसे पता कर रहा था तो एक आध जगह से मेरे को पता चला भी, मैं कंफर्म नहीं, 40 करोड़ के आसपास वर्ल्ड वाइड से ये फिल्म कलेक्शन कर रही है, और प्रभास बाबा के यूएस में बहुत हार्ड मार्केट है यार, मतलब जैसे हम लोग कैसे भाई ब्लाइंडली बिलीव करके उनकी फिल्मों को देख लेते हैं, वैसे यूएस में भी ना प्रभास के जो फैंस लोग एकदम ब्लाइंडली प्रभास
नाम देख लेंगे कि हाँ ये सलार करके मूवी है, इसमें प्रभास एक्टर है, लीड एक्टर है। चलो भाई देखने चलते हैं। वैसे प्रभास सर की वहाँ फैन फॉलोइंग है, बाकी जल्दी भाई इसको वर्ल्ड वाइड कलेक्शन को लेकर बातें करेंगे। तुम लोग बताओ तुम लोग इस पर क्या कहना है, कितने ज्यादा एक्साइटेड हो, कितने ज्यादा खुश हो मैन की हाँ सलार बॉक्स ऑफिस को फाड़ के रख रहा है यार। ओपिनियन कमेंट करके तुम लोग जरूर बताना। सो चलो फिर इस वीडियो में बस इतना ही, और हाँ ये वीडियो तुम सबको जरा भी पसंद आया प्लीज यार वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर तुम चैनल को नहीं सब्सक्राइब करो तो प्लीज मेरे भाई चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।